चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम पैरों पर खड़ा होते ही दिखाएगा कमाल। आपको बता दें, इसरो ने संपर्क टूटने के बाद भी चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को खोज निकाला है। दरअसल लैंडर विक्रम प्लान के विपरीत चांद की जमीन पर अपने स्थान से लगभग 500 मीटर दूर जा गिरा था। इसरो से जुड़े सूत्रों के अनुसार लैंडर विक्रम ऐसी तकनीकी से लैस है जो गिरने या टकराने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी बात यह है कि पहले उससे संपर्क स्थापित हो। वैज्ञानिकों की माने तो विक्रम लैंडर में एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर फिट है, लेकिन चांद की सतह पर गिरने की वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम को कमांड देने वाला एंटीना दब गया है। लैंडर की लोकेशन मिलने के बाद से वैज्ञानिक लगातार उस एंटीना के माध्यम से विक्रम लैंडर को पैरों पर खड़ा करने के लिए कमांड देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक ऑर्बिटर की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ऑर्बिटर के सही ढंग से काम करने से मिशन के 90-95% लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे। ऑर्बिटर के काम करने की नियोजित अवधि 1 साल से अधिक की है, जबकि रोवर केवल 1 चंद्रमा दिवस के लिए प्रयोग करने वाला है। आपको बता दें, 1 चंद्रमा दिवस पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक अब सबसे बड़ी चुनौती लैंडर से संपर्क स्थापित करने की है, उसके बाद ही आगे की सफलताओं का पता लगाया जा सके। न्यूज़ के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली 9।